नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन बात करेंगे जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल है, एक बार फिर से बता दें, केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल 28 और 29 मार्च को देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। 28 और 29 मार्च को देश भर में प्रदर्शन, मतलब देशव्यापी हड़ताल रहेगी। दो दिन की हड़ताल है। प्रदेश के बैंक कर्मचारी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं, बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं स्वतंत्र ट्रेड यूनियन की यह हड़ताल है। अंकित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, देशव्यापी हड़ताल रहेगी, यानी कि बैंकों का काम काफी हद तक प्रभावित रहेगा। देखिए, केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल है, इनमें मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दो दिन हड़ताल पर है, 28 और 29 मार्च। और मार्च के महीने में हड़ताल होना स्पष्ट तौर पर राजस्व रफ्तार को रोकना है। इस केंद्रीय श्रमिक संगठनों और यूनियंस की हड़ताल को राजस्थान के बैंकिंग संगठनों ने भी समर्थन दिया है और राजस्थान में भी दो दिन 28 और 29 मार्च को बैंक श्रमिक संगठन विरोध दर्ज कराएंगे, कामकाज वहां भी प्रभावित रहेगा। ऐसे में लगातार चार दिन तक बैंक बंद रह सकते हैं और इसका सीधा असर राजस्व से जुड़े कामकाज पर पड़ेगा। श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से एक मुहिम छेड़ी हुई है, हड़ताल कर दबाव बनाने की कोशिश में है। राजस्थान में भी तमाम केंद्रीय संगठनों के श्रमिक संगठन 28 और 29 मार्च को प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों को उठाकर कलेक्टर के जरिए केंद्र सरकार तक अपना ज्ञापन पहुंचाने की कोशिश। मांगे क्या क्या है? मांगे क्या? देखिए, श्रमिक संगठनों की मांग मुख्य रूप से वेतन समझौतों को लेकर है। श्रमिक जो कानून बने हुए हैं, लेबर से जुड़े हुए हैं, उनमें राहतों की मांग है। साथ ही उनका न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर है, महंगाई भत्ते, वर्दी सहित कई ऐसी छोटी छोटी मांगे हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं। किसानों की मांग भी किसान यूनियंस ने भी समर्थन दिया है। ऐसे में किसानों की मांगे भी इसमें जुड़ गई हैं कि किसानों की आय बढ़ाने को लेकर प्रयास रो, MSP जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हो गए। बहुत सारे मुद्दों को लेकर एक समेकित आंदोलन करने की कोशिश केंद्रीय श्रमिक संगठनों की है, जिनमें बैंकिंग संगठन भी साझेदार के तौर पर, विरोध प्रदर्शन के तौर पर आगे आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित की जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सऊदी